एक ही चिंता की बात है और वह कच्चा तेल रुपए की भी कोई खास चिंता नहीं अस्सी के आसपास से ठीक है हम ग्लोबल करेंसीज के हिसाब से देखें तो हम कोई बहुत खराब नहीं लेकिन कच्चा तेल वापस बढ़ बढ़ के एक सौ सात आया मुझे ना कच्चा तेल ज्यादा देर तक तो ऊपर नहीं चाहिए कल हम, हम सुबह यही बात कर रहे हैं लेकिन सवाल ये नहीं कि कच्चा तेल छह महीने बाद अस्सी डॉलर आ जाए वो मेरे काम का काम का तो है लेकिन मुझे खुश करने वाला ही है मैं कितने दिन तक महंगा कच्चा तेल का बिल भरता रहूंगी तो exactly. तो मुझे जितना जल्दी आएगा उतनी जल्दी तेजी करने का मन ज्यादा होगा right. और 115 120 तो नहीं देगा 115 आ गया तो मैं तो बोलूंगा थैंक यू वेरी मच कर लीजिए दे दीजिए जो आपके पास है hmm. 100 परसेंट बोलूंगा मैं अभी से बता रहा हूँ 115 डॉलर अगर ये आ जाता है hmm. तो आप 15 200 पे नहीं है 16 500 पे है hmm. तब रिस्क ज्यादा है थैंक यू वेरी मच थैंक यू निकल लीजिए हाँ हंड्रेड भले हम गलत हो जाए लेकिन डिसीजन कुछ ना कुछ तो सोच के ले वापस जब नीचे आएगा थोड़ा इंडिकेशन देगा तब यह तो अगर आपको 16 700 800 मिल जाता है और आपका कच्चा तो एक है तो फिर किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कई कई चीजें ना बहुत ध्यान से नहीं कॉमन सेंस से आती है <laughs> और मार्केट में कॉमन सेंस से पैसा कमाना ज्यादा आसान है बजाय ज्ञान के एक्ट और यह अनुभव कहता है कि ऐसी सिचुएशन में नॉट नेसेसरी आप जिस दिन बेचो उसी दिन मार्केट टॉप बना दे और जब प्रॉब्लम हमारी कहाँ आती है हम क्या चाहते हैं hmm. जैसे ही हमने खरीदार बढ़ना शुरू कर दे hmm. उसके बाद नीचे नहीं जाना चाहिए hmm. और जैसे हमने बेचा वहां टॉप हो जाना चाहिए उससे नीचे आना चाहिए hmm. अगर ये समस्या मेरी आपकी हम सबकी है इसका कोई सोल्यूशन है नहीं <laughs> हम जैसा चाहे वैसा हो जाए तो फिर मार्केट गया लेकिन आपको एक कॉन्शियस कॉल कहीं कहीं लेना पड़ेगा कि फिर अगर ऐसी सिचुएशन में 115 120 पंद्रह सौ आता है तो मुझे निकलना है बात खत्म समझ गया एक क्लियर अच्छा तेल की बात निकली है सर, तो आज हमारी भी में हाँ, हैं। फोकस में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर ए, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी सरकार ने उसमें बदलाव किए हैं पेट्रोल पर तो पूरी तरह से हटा दी है और सबसे बड़ी चीज जो है बड़ा बदलाव ये जो भी एसी जेड से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो ए, एक्सपोर्ट किए जाते रहे थे उस पर जो ड्यूटी लगी थी वो पूरी तरह से हट गई है अब दो तरीके से इसे देख सकते हैं एक तरफ से सरकार की तरफ से आप देखेंगे तो सर आप कहेंगे कि सरकार ने जब लगाई थी ड्यूटी तब भी कहा था पंद्रह पंद्रह दिनों में हम रिव्यू री, करेंगे तो अगर सरकार रिव्यू करके करके इसे नीचे ला रही है तो गलत नहीं है अकॉर्डिंग टू पॉलिसी है जो उन्होंने कहा था बिल्कुल और दूसरी तरफ अगर आप एक इन्वेस्टर के लिहाज से देखें तो इन्वेस्टर के लिए ये मन बनाना बड़ा मुश्किल काम है कि पंद्रह दिन पहले एक महीने पहले मैं किसी स्टॉक पर बहुत बुलिश था अचानक से विंडफॉल टैक्स आता है स्टॉक की पिटाई हो जाती है सेक्टर की पिटाई हो जाती है और मैं सब बेच के निकल जाता हूँ कि अब गया काम से फिर पंद्रह दिन बाद पता चलता है कि ना ना, ना ना मेरा वो खरीदने का डिसीजन तो गलत था ही क्योंकि मैंने सोचा नहीं था विंडफॉल टैक्स आएगा मेरा बेचने का डिसीजन भी गलत हो गया फिर वापस लूँ अब इस बात की क्या गारंटी की पंद्रह दिन बाद अगर आपको क्रूड एक डॉलर मिले exactly. तो वापस से सरकार विंडफॉल टैक्स बढ़ा दे क्योंकि उन्होंने तो कहा है सो so, पॉलिसी की स्टेबिलिटी ये ज्यादा जरूरी है बजाय स्टॉक्स के और सेक्टर के लिहाज से नो no डाउट इसमें कोई डाउट नहीं रिलायंस वेदांता जैसे रिलायंस के लिए बेहद पॉजिटिव है वेदांता जैसी कंपनी के लिए भी अच्छा है प्लस वेदांता का तो साढ़े उन्नीस रुपये का डिविडेंड भी, भी है तो दो बड़ी पॉजिटिव खबरों की ओएनजीसी एमआरपीएल चेन्नई पेट्रोल जैसी कंपनियों के लिए मार्जिनली पॉजिटिव है थोड़ा पॉजिटिव है क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट्स पर जो एक्साइज है वो थोड़ी घटी है सो आई थिंक यह है लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की पॉलिसी में सोचना पड़ेगा सरकार को कि क्या वाकई में पंद्रह दिन का टाइम सफिशियंट है रिव्यू करने के लिए और अगर है तो फिर एज एन इन्वेस्टर आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको इन से, इस सेक्टर में से शेयर ओन करना क्या आई थिंक सी फ्लेक्सीबल पॉलिसी रखना कोई गलत हुँ. बात नहीं है एक तरह से आप देखा जाए तो अच्छे भी है कि आप रिजिड नहीं है हुँ. और आप रिव्यू करना चाहते हैं लेकिन फ्लेक्सिबल पॉलिसी आपको काफी हद तक कंफ्यूज भी करती है हुँ. या तो फिर सरकार क्लियर कट कहे कि क्रूड के साथ हमारी लिंक है हाँ. इतने दाम पे इतना हो जाएगा इतने दाम पे इतना लगाएंगे वो क्लियर कट पॉलिसी है करेक्ट करेक्ट आप वैसा कर दीजिए कि क्रूड 130 है तो इतना टैक्स क्रूड अस्सी आ गया तो नहीं है हुँ. है ना तो so फिर मैं ही कैलकुलेट कर लूंगा जी मुझे correct. आपके रिव्यू की जरूरत नहीं है एक्जैक्टली exactly. मुझे हुँ. पता है पंद्रह दिन बाद आप क्या कहने वाले हैं तो मार्केट अपनी समझ से उसको एडजस्ट कर लेगा लेकिन एडहॉक अगर इस तरीके से होगा हुँ. तो इन स्टॉक्स पर व्यू बनाना बहुत मुश्किल है नो डाउट आज स्टॉक्स दौड़ेंगे भी रिलायंस भी चलेगा ये भी चलेगा लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि ग्लोबली जी कम हो रहे हैं तो उसका भी इंपैक्ट होगा तो एक तेजी तो बनती है और अच्छी बात यह है आज निफ्टी को डबल सेंचुरी मारनी है, है। तो आपके पास रिलायंस है आपके पास लीवर है लीवर है। लीवर के दमदार दो ढाई परसेंट तो लीवर भी चलना चाहिए दो exactly. ढाई परसेंट रिलायंस भी चलना exactly. चाहिए exactly. तो फिर ठीक है अगर दो दो परसेंट दो दिग्गज आपके चल जाए तो एक परसेंट निफ्टी का बढ़ना कौन सी बड़ी बात है आई थिंक मार्केट के से ठीक है एक अच्छी खबर है अच्छी खबर इंडेक्स तो बढ़ेगा इंडेक्स तो बढ़ेगा